अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुजूर गरीब नवाज के दरबार से तो इस COVID-19 को देखते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अपने पड़ोस में, अपने मुल्क में, अपने शहर में यही ख्याल रखें कि कोई भूखा नहीं सो पाए। बढ़िया मिलता है जी, घर की तरह लजीज खाना मिलता है, इससे बढ़िया खाना हम आराम से आगे भी नहीं खाए। सलाम या भलो पे तेरा फैज़े आम या ख्वाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगलो ला बे कमाल ही या रसूल। بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست مسٹر خان توفانی۔ آج کا بلاگ میرا یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتا کہ میں نے کل لنگر کا دکھایا تھا تو غریب نواز سرکار کی چوکھٹ سے لنگر عام چل ہی رہا ہے ماشاء اللہ۔ آج میں دکھاؤں گا 3 بجے رات کو تہجد کے ٹائم کا لاک ڈاؤن کا نظارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ शाम का रोशनी का जो दुआ होती है, रोशनी की दुआ होती है, वो भी आपको सुनाएंगे। और आज लगातार दूसरे दिन भी जो लंगर आम चालू है, गरीबों को दिया जा रहा है, जो ज़रूरतमंद है उनको लंगर बांटा जा रहा है, तो आज फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, जाके आपको दिखाते हैं, सैयद नूर आलम बाबा से मिलाते हैं, और पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए। वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा शेयर कर देना। तो गाइज फाइनली मैं फिर पहुंच चुका हूँ नूर आलम बाबा के पास में। तो जैसे कि आपने देखा उस दिन भी बांटा और आज भी लंगर चल रहा है माशाल्लाह। तो चलो सुनते हैं गरीब नवाज सरकार की चौखट से क्या पैगाम देते हैं नूर आलम बाबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती पीर साहब अजमेरी हुजूर गरीब नवाज के दरबार से तो इस COVID-19 को देखते हुए पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अपने पड़ोस में, अपने मुल्क में, अपने शहर में यही ख्याल रखें कि कोई भूखा नहीं सो पाए इन दिनों में। तो आप लोगों ने सुना माशाल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत मैसेज दिया। और गरीब नवाज सरकार की चौखट से यहाँ से तो मैसेज बहुत अच्छा जाता ही हमेशा। और आप देख सकते हो कि कल आप लोगों ने देखा कि 2.5 दिन के झोपड़े के पास में गरीबों को लाइन लगवा करके सोशल डिस्टेंस के साथ लंगर आम बांटा गया इस लॉकडाउन में। और माशाल्लाह अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर कोर्ट में, ये क्या बोलते हैं कब्रिस्तान वाला एरिया है, देख सकते हो कितनी लंबी कतार लगी हुई है माशाल्लाह। ये वो लोग हैं जो कि पहले काम धंधा करते थे, मजदूर थे, या फिर जो गरीब नवाज सरकार की चौखट में मेहमान जो ज़ायरीन बाहर से आते थे तो उनके गरीब नवाज सरकार के टुकड़ों में पलते थे। पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में इनकी हेल्प कोई कर नहीं रहा ज़्यादा। तो जितने भी खुद्दाम हजरात हैं और जितने भी अजमेर के लोग हैं इसी तरीके से माशाल्लाह हेल्प कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारे सैयद नूर आलम बाबा जो साहब हैं चिश्ती साहब, तो ये लोगों की एक अरसे से हेल्प करते आ रहे हैं और हेल्प कर भी रहे हैं माशाल्लाह। और रमज़ान में इनका ख्याल रखा गया, रमज़ान में ख़ास करके इन लोगों को अफ्तारी का सामान बांटा गया, अफ्तारी का राशन दिया गया, खाना दिया गया, और अभी भी खाना बांटा जा रहा है माशाल्लाह, देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ये बाबा लोग होंगे, इन लोगों से इंटरव्यू लूँगा मैं माशाल्लाह। तो देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह। और मैं तो यही कहूँगा कि आस पास में, नूर आलम बाबा ने यही कहा कि आस पास में आपके आस पड़ोस में कोई भूखा हो तो उसको खाना दो, पूछो उसके बारे में, और इसी तरीके से खिदमत खल के करो। मैं खिदमत खल मेरी वीडियो के जरिए करता हूँ। और चलो किसी से इंटरव्यू, खाना ठीक है मिलता है, अच्छा टेस्टी, अच्छा मिलता है ना, अच्छा लगता है, अच्छा सब अच्छा खाना मिल रहा है ना, सब खुश है ना, सब बात अच्छा नहीं, मास्क लगेगा आना कल, लेकिन है ना मास्क लगेगा जरूर आना, बिना मास्क में मिलेगा नहीं। आपको मिल रहा तो खाना कैसा लगता है आपको? बढ़िया मिलता है जी, घर की तरह लजीज खाना मिलता है, इससे बढ़िया खाना हम आराम से आगे भी नहीं खाए। आराम से पेट भर रहा है ना, एक खाना फेंकने में तो नहीं आ रहा, खा रहा है ना। बहुत अच्छा खाना बनाया जा रहा है और बहुत अच्छा तरीके से खाया जा रहा है, बहुत शानदार। ऐसे लॉकडाउन के अंदर पिछले साल भी खाना बनाया था ऐसे खा रहे थे, इस साल भी बहुत अच्छा लॉकडाउन लगा, लेकिन खाना बहुत बढ़िया बांट रहे ऐसे, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहे और कोई बाकी नहीं रह रहा, सबको खाना मिल रहा, बराबर मिल रहा जी। ये नूर आलम बाबा की तरफ से हो रहा है, ओके ठीक है। फिर हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती साहब की तरफ से हो रहा है खाजा के नाम से, नूर आलम जी को और अच्छे से
दे और उनको सदा बार ऐसे लंगर करते रहे, खाना बांटते रहे, कौन नवाजे। आमीन। दुआ करो खजा जी उनको सदा नवाजे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ नूरानम बाबा साहब के घर पे, जो कि आज इनके शस है। मैं आप लोगों को रोशनी की दुआ सुनवाऊंगा, जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ आप जो सुनते हैं माशाल्लाह। और आज उसके साथ साथ गरीब नवाज सरकार की चौखट का दीदार भी कराऊंगा, गुम्मद शरीफ भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं सुनते हैं। तो गाइस फाइनली अब आप लोगों को तहज्जुद के वक्त की दरगाह शरीफ का नज़ारा और ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह नूरानम बाबा के साथ। मालिक मौला गुलाम हाफिज, मालिक मौला गुलाम उस्ताख बे अदब गुलाम, हाजिर दरबार मौला करीम, करीम करीम करम। दार सलाम या ख्वाजा, उर्तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा। बेशक सुभान अल्लाह। न फिक्र में न गमे जाम तेरे मस्तों को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, सुभान बेशक बेशक। तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों, और बुरे भलों पे तेरा फैज़े आम या ख्वाजा। सबका भला सबकी खैर गरीब मौला, सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर मेरे खाना, सबका भला सबकी खैर भरी मेरा। सबका भला सबकी खैर गरीब नवाजे रखे। गुलाम बारिया भी की जाए, मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल,
اے مظہر نور خدا بلغ الولا بکمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمال ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفخار حیدریم کلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم بندے مرتضی علی ہستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم اے سکے کوہ شیر یستم اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء مولا حسین ابن علی جان اولیاء تم فخر انبیاء تم ہی شان اولیاء تمہارے جیسا زمانے میں کوئی شاہ نہیں مالک مالک گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں حضور یا علی مولا یا علی مولا یا مولا کریم یا رسول اللہ صلی علی محمد آل محمد نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاق نبی نور جمال ہی بلغ الولا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بادشاہ جرم ہمارا درگزار اور ہماری خطا کیا چیز ہے مالک آپ کی عطا کے سامنے حضور عطا فرمائی غلام مشتاق بیارا کرم نوازی کرم رحیم کریم آپ کی